इस परिवार में जो त्रिसंयोजी आयन होते हैं, जैसे यदि बोरॉन के ट्राई हैलाइड जैसे BF3, BCl3, तो इसमें बोरॉन परमाणु का जो संयोजी कोष होता है उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जब ये अमोनिया से क्रिया करते हैं तो एक उपसहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है इनकी। तो BCl3 जब NH3 से क्रिया करता है तो BCl3 डॉट NH3 जैसे एक उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो BCl3 का जो बोरॉन है उसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, और अमोनिया के नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर को ये ग्रहण करता है और इनके मध्य एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो BF3 या BCl3 है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये किसी भी लुईस क्षार से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन इस परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करने की इसकी प्रवृत्ति है वह कम होती जाती है। एल्यूमिनियम जो है वो द्विलक के रूप में पाया जाता है जब हैलाइड बनाता है, तो AlCl3 की तुलना में Al2Cl6 जो यौगिक है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो AlCl3 हमेशा द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, डाइमर फॉर्म में होते हैं Al2Cl6। Al2Cl6 की संरचना में आप देखिए AlCl3 और इधर भी AlCl3, तो इसमें 2 एल्यूमिनियम है और इसके बीच में ये 2 एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ जो Cl है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो 2 Cl और यहाँ पर एक Cl और दूसरा जो Cl है वो इस तरह दोनों एल्यूमिनियम के बीच में। तो ये एक ब्रिज जैसी, एक सेतु जैसी संरचना यहाँ पे दिखाई देती है जिसमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो 206 पिकोमीटर है, जबकि यहाँ पर बीच में जो सेतु एक बंध बना है जहाँ पे कोण बनता है वो है 101 डिग्री, और यहाँ पर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच जो क्लोरीन एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो दिखाई देता है 221 पिकोमीटर। और बाहर की तरफ हम देख रहे हैं Cl AlCl, इसके बीच जो बंध कोण का मान है वो है 118 डिग्री। तो इस प्रकार से जो Al2Cl6 है उसमें हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम किस प्रकार से क्लोरीन के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं। जो इसके त्रिसंयोजी यौगिक होते हैं वे प्रायः सहसंयोजक गुण वाले होते हैं और आसानी से ये जल अपघटित भी हो सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हम जानेंगे, MOH4 और ब्रैकेट क्लोज करके माइनस, मतलब एक आयन बन जाता है जो कि एक चतुष्फल की संरचना को दर्शाता है। ये MH2O6+3+ है वो 4 ही हो सकती है क्योंकि उसमें 4 ही कक्षक है, 2s का 1 और 2p का 3। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है वो जल अपघटित होकर के BOH4 और ब्रैकेट क्लोज करके माइनस, मतलब इस तरह का एक आयन बना सकता है, टेट्राहाइड्रोबोरेट ये बना सकते हैं। जबकि एल्यूमिनियम में हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो जल अपघटित होकर एल्यूमिनियम H2O6 और ब्रैकेट क्लोज करके 3+, तो इस तरह से एक आयन ये बना सकते हैं, जहाँ पर इसकी जो सहसंयोजकता होगी वो बढ़कर 6 हो जाती है क्योंकि वहाँ डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। बोरॉन और एल्यूमिनियम की वायु के प्रति जो क्रियाशीलता है इसमें हम देखते हैं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम का जो अक्रिस्टली रूप होता है वो वायु के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बना लेता है। बोरॉन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 4B+3O2=2B2O3 और एल्यूमिनियम 4Al+3O2=2Al2O3, तो दोनों के ही ऑक्साइड यहाँ पर बनते हैं। बोरॉन 2 अपरूप के रूप में पाया जाता है, या बोरॉन के जो अपरूप होते हैं वे क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होते हैं। बोरॉन का जो क्रिस्टली रूप है वो ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, और एल्यूमिनियम भी शुष्क वायु में क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम की क्रिया नम वायु से कराई जाती है तो जैसे ही वो नम वायु के संपर्क में आते हैं तो इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है,
और इसी वजह से एल्यूमिनियम निष्क्रिय हो जाता है। बोरॉन और एल्यूमिनियम बहुत अधिक टेम्परेचर पर जब नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं तो नाइट्राइड बना लेते हैं। तो इसके नाइट्राइड की संरचना आप देखिए, और जैसे ये नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं 2B प्लस N2 इज इक्वल टू 2BN। एल्यूमिनियम जब नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो 2Al प्लस N2 इज इक्वल टू 2AlN बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। और गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सभी नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं। इस परिवार का जो ऑक्साइड होता है इसके अलग अलग गुण होते हैं, प्रकृति इनकी अलग अलग होती है। जो बोरॉन का ऑक्साइड है B2O3 ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड हैं Al2O3, Ga2O3 ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और इसके जो अगले ऑक्साइड हैं जैसे इंडियम ऑक्साइड यानी In2O3 और थैलियम ऑक्साइड यानी Tl2O3 ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जो बोरॉन का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये क्षार से क्रिया कर सकते हैं और एक लवण बना लेते हैं। तो B2O3 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू NaBO2 प्लस H2O। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं, तो ये क्षार के साथ भी क्रिया कर सकते हैं और अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। तो Al2O3 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू 2NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनता है प्लस H2O। और Al2O3 जब HCl से रिएक्ट होता है तो भी एक लवण बना लेता है AlCl3 प्लस 3H2O। तो Al2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू AlCl3, और बैलेंस करेंगे तो 2AlCl3 प्लस 6H2O बनता है। जो थैलियम का ऑक्साइड होता है वो जब H2SO4 से रिएक्ट होता है तो ये क्षारीय गुण दर्शाता है थैलियम का ऑक्साइड। तो जब ये H2SO4 से रिएक्ट होगा तो एक लवण बना लेता है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि जो थैलियम का ऑक्साइड है वो क्षारीय गुण का होता है। Tl2O3 H2SO4 से रिएक्ट होता है तो थैलियम सल्फेट बनता है Tl2SO4 होल थ्राइस और H2O मुक्त होता है। तो बैलेंस करेंगे तो 3H2O होता है। इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये ड्राई हाइड्रोक्साइड बनाने की क्षमता होती है इसकी। तो इसके ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं ट्राईऑक्साइड तो ये ट्राई हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होते हैं। जब कॉमन रूप से इस पूरे परिवार को हम लेंगे तो M2O3 प्लस 3H2O इज इक्वल टू MOH होल थ्राइस। तो इस तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक उदाहरण हम ले लेते हैं Al2O3 का, कि Al2O3 जब जल से क्रिया करता है तो AlOH होल थ्राइस बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होती है। बोरॉन परिवार के हाइड्रोक्साइडों को भी जब हम वर्ग में तुलना करते हैं तो इसके अम्लीय गुणों में कमी आती है और क्षारीय गुणों में वृद्धि होती है। तो बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये उभयधर्मी होते हैं, और इंडियम और थैलियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये क्षारीय गुण दर्शाते हैं। तो इनके अम्लीय गुण और इनके क्षारीय गुण को समझने के लिए कुछ उदाहरण हम जानेंगे। बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड है वो जब क्षार से क्रिया करता है तो BOH होल थ्राइस प्लस NaOH इज इक्वल टू NaBO2 प्लस 2H2O बना, ये इसके अम्लीय गुण को दर्शाता है। एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वह उभयधर्मी गुण वाले होते हैं, तो ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी 2AlOH होल थ्राइस प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 6H2O बनता है, और AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH इज इक्वल टू NaAlOH होल 4 और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो इस तरह से ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं। अब हम अम्ल एवं क्षार के प्रति इस परिवार की जो क्रियाशीलता है उसके बारे में जानेंगे। तो बोरॉन वैसे तो अम्ल और क्षार से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम कई बार इसके जो खनिज अम्ल या जो जलीय क्षार होते हैं उसमें ये एल्यूमिनियम घुल जाते हैं। बोरॉन प्रबल जो ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं जैसे सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 इनके मिश्रणों के साथ क्रिया कर लेते हैं, और इनके साथ क्रिया करके ये
बोरिक अम्ल बनाते हैं। तो बोरॉन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हम जानेंगे। बोरॉन जब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्ट होता है तो यहाँ पर बोरिक अम्ल बना H3BO3 प्लस 3NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार बोरॉन सल्फ्यूरिक अम्ल से भी रिएक्ट होता है तो 2B प्लस H2SO4 इज इक्वल टू 2H3BO3 प्लस 3O2। बोरॉन जो गलित NaOH होते हैं, कास्टिक क्षार होते हैं, KOH, NaOH, इनके साथ भी क्रिया कर सकते हैं और इनके साथ क्रिया करके ये बोरेट लवण बनाते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। तो बोरॉन की NaOH से क्रिया, बोरॉन जब NaOH से रिएक्ट होता है तो 2B प्लस 6NaOH इज इक्वल टू 2Na3BO3 प्लस 3H2। तो यहाँ पर सोडियम बोरेट बना। एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण दर्शाता है, इसको सिद्ध कीजिए, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो जब एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण दर्शाता है तो इसका अर्थ ये है कि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकते हैं। तो पहले हम इसका ये गुण जानेंगे कि ये क्षार की तरह कैसे क्रिया करता है। तो क्षार की तरह यदि बिहेव करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करके ये लवण बना सकते हैं। एल्यूमिनियम जब HCl से रिएक्ट होता है तो 2Al प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2Al3 प्लस प्लस 6Cl माइनस प्लस 3H2। तो यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड बन सकता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जब NaOH से रिएक्ट करते हैं तो 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O इज इक्वल टू 2NaAlOH⁴ माइनस, ब्रैकेट क्लोज करके माइनस। तो ये बनता है एक लवण जिसका नाम होगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट थर्ड आयन प्लस 3H2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम अम्ल की तरह भी कार्य कर रहा है और क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है, और क्षार की तरह कार्य करता है तो अम्ल से क्रिया करके एक लवण बनाता है। तो यह एक उभयधर्मी गुण वाला तत्व होता है। एल्यूमिनियम जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्ट करते हैं तो इसके कारण इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और इसी वजह से ये इसे निष्क्रिय बना देती है। एल्यूमिनियम जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो डाईहाइड्रोजन बनाते हैं। गैलियम जब NaOH से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये गैलेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो गैलियम NaOH से रिएक्ट करते हैं जल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी एक संकुल लवण बना है NaGaOH⁴, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा गैलियम का, 2Ga प्लस 2NaOH प्लस 6H2O इज इक्वल टू 2Na ब्रैकेट के अंदर GaOH⁴ ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एक देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, 3H2 के रूप में ये लिखा जा रहा है। इस परिवार की हैलोजन से जो क्रियाशीलता है और हैलाइड जब ये बनाते हैं तो इसके गुणों के बारे में भी हम जानेंगे। तो थैलियम के अलावा इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसमें ट्राई हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो यदि पूरे परिवार को कॉमनली देखेंगे तो ई के रूप में यदि दर्शाते हैं और हैलोजन से ये रिएक्ट होता है तो EX3 प्रकार के हैलाइड ये बना पाते हैं। तो 2E प्लस 3X2 इज इक्वल टू 2EX3 बनता है। E की जगह हम कोई सदस्य ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम यदि ले लेंगे तो 2Al प्लस 3X2 इज इक्वल टू 2AlX3। यदि हम X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं तो उस तरह से उसके हैलाइड बनते हैं। बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं उसकी संरचना और बाकी जितने सदस्य हैं उसकी संरचना को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसके बहुत सारे ऐसे गुण सामने आते हैं जो अलग होते हैं। तो इसके अम्ली गुण के बारे में हम जानेंगे, बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड से वो बाकी सबसे कैसे अलग हैं। तो बोरॉन के अलावा इसके जितने भी फ्लोराइड्स होते हैं वो सभी आयनिक होते हैं। जो BF3 है या BCl3 है, ये सभी ट्राई हैलाइड जो है ये सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन होता है 2s में और 1 p में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं क्योंकि जब BF3 बनता है तो
तो बोरॉन के केंद्र में हम देख रहे हैं कि जब BF3 बन जाता है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होता है और BF3 में sp2 संकरण देखने को मिलता है, क्योंकि बोरॉन में 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 2p में प्रवेश करता है। तो इस तरह से जब ये BF3 बनाते हैं तो यहाँ पर sp2 संकरित अवस्था होती है, जिसमें 3 संकरित कक्षक बनते हैं। और ये जो 3 संकरित कक्षक बनते हैं वो फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के 2pz के साथ अतिव्यापित होते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर बोरॉन में एक ऐसा कक्षक भी प्रेजेंट है जो कि असंकरित है, और इसी असंकरित कक्षक के कारण यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी होती है। तो फ्लोरीन के जो भरे हुए कक्षक होते हैं वो इस असंकरित रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति भी होती है। तो जो बोरॉन है उसका 2p कक्ष और जो फ्लोरीन है उसका 2p कक्ष, दोनों की ऊर्जा लगभग समान होती है, तो इस तरह से वहाँ अतिव्यापन की क्रिया हो सकती है। तो बैक बॉन्डिंग होता है यहाँ पर। तो इसमें जो बोरॉन का असंकरित एक कक्षक है 2p और फ्लोरीन का जो भरा हुआ कक्षक है 2p का, उनके मध्य बैक बॉन्डिंग होता है। तो BF3 में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रह जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, बाकी जितने भी हैलाइड्स हैं जैसे BBr3 यदि लें, BCl3 यदि लेते हैं, तो उसकी तुलना में इसका जो अम्ली गुण है वो थोड़ा कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो Cl है उसमें 3p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो Br है उसमें 4p में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4p Br का और यदि ब्रोमीन का 4p और बोरॉन के 2p के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो ज़्यादा होगा, और क्लोरीन में भी 3p में इलेक्ट्रॉन्स है और यदि बोरॉन में देखें तो 2p में इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ भी ऊर्जा का अंतर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून ही रह जाते हैं, इनमें बैक बॉन्डिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अम्ली गुण होता है वो BBr3 का होता है, उससे कम BCl3 का, और सबसे कम अम्लीय गुण जो है वो BF3 का होता है। तो यहाँ पर जो BF3 में हम देखते हैं कि पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है, जो कि बोरॉन के असंकरित कक्षक और फ्लोरीन के भरे हुए जो पी कक्षक है उनके बीच में। तो यहाँ पर जो अम्ली गुण का जो क्रम है, BBr3 सबसे प्रबल अम्ली होगा, BCl3 उससे कम, और BF3 सबसे कम अम्ली प्रवृत्ति का होता है। एल्यूमिनियम का जो हैलाइड है AlCl3, तो ये प्रकृति में जैसा हमने पहले भी देखा कि ये Al2Cl6 के रूप में पाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का जो पड़ोसी एल्यूमिनियम परमाणु है, दो Al2Cl6 में दो एल्यूमिनियम है, तो एक एल्यूमिनियम दूसरे एल्यूमिनियम के साथ जुड़े हुए क्लोरीन परमाणु के साथ बंध बनाता है, मतलब वहाँ दूसरे एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ जो क्लोरीन परमाणु है उससे दिए हुए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। तो इस तरह से एक एल्यूमिनियम दूसरे एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ जो क्लोरीन परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो यहाँ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और इस तरह से ये अपने अष्टक पूर्ण करते हैं और एक सेतु के रूप में पाए जाते हैं। जबकि BCl3 द्विलक नहीं बनाते हैं, वो एकलक के रूप में भी पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, उसका आकार बहुत छोटा होता है। तो ये फिर क्लोरीन के साथ बंध नहीं बना पाते हैं, क्लोरीन के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं या एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड AlCl3, इन सभी को हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छे लुईस अम्ल होते हैं, और कई सारे ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसका व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, तो फ्रिडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन है या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें भी ये एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब हम इसके अपचायक प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो इस परिवार के जितने भी तत्व होते हैं उसके जो अपचयन विभव का मान है वो ऊपर से नीचे आने पर धनात्मक होता जाता है, तो ऋणात्मक वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि धनात्मक मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा E0 का मान ऋणात्मक होता है वे उतने अच्छे अपचायक होते हैं, और जितना ज़्यादा धनात्मक होता जाता है वे उतने अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। तो इस तरह से वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो थैलियम है उसके लिए +1.26 वोल्ट है E0 का मान, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं।
अपचायक प्रकृति जो है वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि घटती जा रही है। तो एल्यूमिनियम सबसे प्रबल अपचायक, फिर गैलियम, उसके बाद इंडियम और फिर थैलियम। तो अपचायक प्रकृति का घटता हुआ क्रम है ये। इस परिवार का जो पहला सदस्य है बोरॉन, वो बाकी सदस्यों से असंगत व्यवहार दर्शाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चूँकि इसका आकार बहुत छोटा होता है, 85 पिकोमीटर इसका जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो होता है, और उच्च नाभिकीय आवेश होता है, और इसकी जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है वो भी उच्च होता है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो एक तो इसका आकार ऐसे ही छोटा है, और जब इसके 2p से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अब जो दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है वो 2s से निकालना होता है, तो इसकी द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान और भी अधिक हो जाता है। इसके आकार के छोटे होने के कारण इसकी जो ऋण विद्युता का मान है वो भी बहुत अधिक होता है, अपने परिवार में सबसे अधिक होता है, लगभग 2। और इसका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है, और इसके गलनांक के अधिक होने का कारण हमने देखा आइकोसाहेड्रॉन, जो इसका स्ट्रक्चर है उस आधार पर ये अलग व्यवहार दर्शाता है, उच्च गलनांक वाला होता है। बोरॉन के प्रायः जितने भी यौगिक देखने को मिलते हैं वे सभी सहसंयोजी गुण वाले होते हैं, और बाकी जो सदस्य हैं इस परिवार के वो सहसंयोजी भी यौगिक बनाते हैं और आयनिक यौगिक भी बनाते हैं। यदि हम बोरॉन के हैलाइड्स की बात करें BF3, तो ये सहसंयोजी होता है, जबकि एल्युमिनियम का जो फ्लोराइड होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। बोरॉन के जो हाइड्राइड होते हैं वो दो अलग अलग श्रेणी में ये बना सकते हैं। तो पहला जो इसका श्रेणी है उसका सूत्र BnHn+4, और दूसरा इसका जो श्रेणी है BnHn+6। तो इस तरह से ये दो प्रकार के श्रेणी में हाइड्राइड को बना सकते हैं। इसके जो ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, जबकि बाकी सदस्यों के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो है वो उभयधर्मी भी हो सकते हैं और क्षारी भी हो सकते हैं। बोरॉन के अलावा इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके ट्राइक्लोराइड या ब्रोमाइड या उनके जो आयोडाइड होते हैं वे सभी सहसंयोजक प्रकृति के होंगे, और आसानी से ये जल अपघटित हो सकते हैं। तो इस तरह से बोरॉन के अलावा जितने भी इसके यौगिक होते हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ बना सकते हैं, चतुष्फलकी संरचना वाले भी बना सकते हैं और अष्टफलकी संरचना वाले भी बना सकते हैं। तो जैसे MOH4, यहाँ पे माइनस चार्ज है ब्रैकेट के ऊपर, तो दूसरा है MH2O6, ब्रैकेट के बाहर +3 चार्ज होता है। तो इस तरह से ये जल में घुल करके अलग अलग स्पीशीज़ दे सकते हैं, जो कि चतुष्फलकी और अष्टफलकी संरचना लिए हुए होते हैं। बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्महीन होते हैं, और इस कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। लेकिन बोरॉन के जो अलग अलग हैलाइड्स हैं उसमें हम देखते हैं कि अम्लीय गुण जो है हैलाइडों के आकार में वृद्धि से जो अम्लीय गुण है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि बोरॉन जब फ्लोरीन के साथ बोरॉन ट्राई फ्लोराइड बनाता है तो वहाँ पर पी पाई पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग पाया जाता है। इस वजह से बोरॉन ट्राईफ्लोराइड कम अम्लीय होता है। बोरॉन का जो ट्राई हैलाइड होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, जबकि बाकी जो इसके हैलाइड्स होते हैं वो डाइमर बनाते हैं, द्विलग के रूप में पाए जाते हैं। बोरॉन में देखा गया है कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, और डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण ये 4 सहसंयोजकता ज़्यादा दर्शा सकती है, जबकि बाकी जो सदस्य होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो उसकी संयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है। बोरॉन के जो हाइड्राइड हैं वे वाष्पशील होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकृति के होते हैं, और इसमें ये क्षमता होती है कि ये हाइड्राइड अधिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ज़्यादातर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं।